हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। गवर्नमेंट एग्जाम्स सर्वा अपने आप में एक भौकाल है, जहां पे ओवरऑल मार्केट में जॉब्स की कमी हो, गवर्नमेंट का जॉब का जब नाम आता है ना, तो ऐसे ही लोगों को लगता है अरे बहुत वैकेंसी, चलो गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं। रियलिटी क्या है गवर्नमेंट जॉब की, आज ये वीडियो ना बड़े दिल से निकलेगा, दिल तक पहुंचेगा। अगर ये वीडियो में थोड़ा भी वैल्यू लगे ना, अगर बिना एक जन को भी शेयर किए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखो ही मत, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने लिए तो बनाता नहीं हूं ना, मैं तो बनाता हूं आप लोग के लिए। ऐसा नहीं कि मैं बनाऊं मैं ही देखूं। अगर जो भी गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहा है उनको ये वीडियो जरूर भेजना चाहिए। आज पूरा डेटा के साथ बताऊंगा कितने गवर्नमेंट सीट्स है, कितने लोग उसमें से पास होते हैं, अगर पास हो भी गए तो क्या स्कोप है, पास नहीं हुए तो क्या स्कोप है, हर चीज पक्षपात के बिना बताऊंगा। देखो, हमको तो कोई अपना यूपीएससी का या गवर्नमेंट एग्जाम का कोर्स तो बेचना नहीं है ना, तो आप लोग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके जो देश को संभालना है वो हम जैसे युवा ही तो हो भाई, जब हम संभालेंगे अगर सही दिशा नहीं मिला तो हमारे भी हालत खराब हो जाएगी। आए दिन हम भारत में सुनते रहते हैं, कभी अग्निवीर योजना को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी SSC का पर्चा लीक हो जाता है, तो कभी RRB NTPC की डेट्स को लेकर युवाओं की नाराजगी होती है और सब सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन एक नई रिपोर्ट में ये पता चला है कि भारत में डिग्री लेने वाले 50% युवा ऐसे हैं जिनमें नौकरी के लिए पर्याप्त स्किल नहीं है। यानी ये वो छात्र हैं जिनके पास डिग्री तो है, लेकिन उनकी इस डिग्री का प्राइवेट सेक्टर में कोई महत्व नहीं है, इसलिए ये सब जो बच्चे हैं ये सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। Tragic case of a 28-year-old young man who committed suicide, and he is somebody who was a rank holder in the UPSC exam. जल्ला का रहने वाला एक लड़का पुणे में आता है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। 3-4 साल उसने प्रिपरेशन किया, 30 साल का जब वो हुआ पास हो गया, नहीं पास नहीं हुआ, उसके क्वार्टर में जो उसका रूम था उसमें टंगा हुआ उसकी बॉडी मिली। ऐसे एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स ना क्लियर करने की वजह से लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। पुणे में जहाँ पे ये घटना हुआ था, उनके जो इंस्पेक्टर थे जो इस केस को लीड कर रहे थे, वो खुद एक इंटरव्यू में बोले, बच्चे आए दिन गवर्नमेंट एग्जाम्स देने आते, क्लियर नहीं होता, डिप्रेशन आता, तो आप लोगों को प्लान भी रखना चाहिए। हमारे मन में एक क्वेश्चन आता रहेगा, यार कितने लोग मरते रहे, यार एक आध दो लोग का तो होते रहेगा, हर जगह होता है, एक आध दो लोग का नहीं होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है। NCERB डेटा के अनुसार 864 आउट ऑफ 10,732 स्टूडेंट्स अपनी जान ले चुके हैं 2020 में, खाली एग्जाम्स ना पास करने की वजह से। DNA India कहती है 12,000 स्टूडेंट्स लोगों ने सुसाइड किया लास्ट 7 सालों में एग्जाम्स ना क्लियर करने की वजह से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस कहता है कि 15-20% स्टूडेंट्स हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं एग्जाम्स की वजह से। इतना कुछ होने के बावजूद गवर्नमेंट एग्जाम का अलग ही सर्वा भौकाल है, मेरे को समझ नहीं आ रहा किस बात का है ये। सुना है बहुत सारे गांव में आप कौन सी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हो उसके ऊपर दहेज डिसाइड होगा आपका। अच्छा, लड़का सरकारी बाबू हेरवे में नौकरी करता है, 10 लाख का इसका दहेज का डिमांड है। ऐसे सब डिमांड यूज होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर। टॉप 5 एग्जाम जिसमें 90% जनता अप्लाई करती है, पहला है यूपीएससी एग्जाम, जहां पे यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस आईएएस जैसे ऑफिसर्स आप बन सकते हो। सेकंड है SSC SGL एग्जामिनेशन, जहां पे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में तरह तरह के डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हो, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सेंट्रल एक्सेस इंस्पेक्टर हो गया, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट में आपको जॉब लगती है। उसके बाद आता है हमारा बैंकिंग एग्जाम, IBPS प्रोबेशनरी PO एग्जामिनेशन, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। यहाँ पे आप बैंक में तरह तरह के असिस्टेंट मैनेजर हो गया, डेप्यूटी मैनेजर हो गया, क्रेडिट मैनेजर हो गया, मैनेजमेंट ट्रेनी हो गया, ऐसे सब बैंक की जॉब की नौकरी आपको लगती है। उसके बाद चौथा हमारे यूपी और बिहार का तो ये मोस्ट फेवरेट है RRB NTPC एग्जाम, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको कमर्शियल अप्रेंटाइज या ट्रैफिक अप्रेंटाइज, स्टेशन मास्टर जैसी नौकरी लग सकती है। और पांचवा है स्टेट PSC एग्जामिनेशन, यानी कि जो स्टेट के अंदर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो गया ना, वहां पे आपको जॉब लगती है जब ये एग्जाम क्लियर कर पाते हो। डेप्यूटी कलेक्टर हो गए, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हो गए, या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, ये तरह तरह के जॉब आपको मिल पाते हैं। अच्छा, ये सब मेरे बताने का होल मकसद क्या था, लो हमारा कोर्स नीचे है, अगर आप कोई भी चीज पास करना चाहते हो 100% आपको जॉब गारंटी मिलेगा, आपको मैं डेप्यूटी कलेक्टर बनाऊंगा, ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। तो अच्छा, अभी हमारे मन में एक सवाल यहाँ पे आ रहा है, जब इतने सारे डिपार्टमेंट है, ये तो मैंने कुछ 5 बताई, इसके अलावा 5-6 ऐसे जो बहुत लोग उसमें अप्लाई करते हैं, तो एग्जैक्टली जॉब कितने अवेलेबल है। मेरे दोस्त या मेरे भाई बहन ऐसे लोग हैं जो 4-5 साल से यूपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी नहीं तो कोई और गवर्नमेंट जॉब, अगर वो भी नहीं तो कुछ और, वो भी नहीं तो कुछ और, शुरुआत करते हैं यूपीएससी से, अगर वो क्लियर नहीं होता उससे नीचे आके कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लास्ट में उनको ना अपनी जिंदगी का शुरुआत करना डिफिकल्ट हो जाता है। मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं जो 30-32 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब वो गवर्नमेंट जॉब से थक जाते हैं प्रिपरेशन करने से, लाइफ एकदम बेहाल हो जाती है, वो सोचते हैं चलो हम लोग कुछ नौकरी कर लेते, उसके बाद क्योंकि फ्रेशर है
32-33 साल में है तो फ्रेशर ना, उम्र बढ़ गई, स्किल कहाँ बढ़ा। 15-16 हज़ार रुपए का नौकरी भी उनको करना बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि लगता है यार अब वापिस अब 15 साल से शुरुआत करें, एकदम लाइफ पूरी खत्म होने जैसी लग जाती है। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, स्किल तो लर्न करते नहीं, सिर्फ एग्जाम में पूरा अपना मन लगा देते हैं। और यही सबसे बड़ा दिक्कत रहा है हमारे भारत देश के लिए। अगर अभी भी इसको रोका नहीं गया ना, तो जो गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहा है वो मालामाल नहीं होंगे, जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन जैसी चीजें पढ़ा रहे हैं ना वो मालामाल होंगे। जो इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ पे मैं किसी इंस्टीट्यूट का वो नहीं करने आया हूँ यार, वो इंस्टीट्यूट अच्छा है, वो इंस्टीट्यूट बुरा है, उन लोग तो अपना काम कर रहे हैं, उन लोग तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत सस्ते में पढ़ा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो सिलेक्शन रेशियो वो तो कम नहीं हो रहा है। जैसे अगर 2022 में यूपीएससी की बात करूँ, तो यूपीएससी में कुल मिला के 11.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से सिर्फ 1,30,000 लोगों ने प्रीलिम्स को पास किया और मेंस के लिए क्वालिफाई है। और आप जानते हो मेंस को पास करने वाले सिर्फ 2,000 कैंडिडेट थे, और एक्चुअल में सिर्फ 1,000 से 1,500 लोग इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं, और जो सिलेक्ट होते ना मैक्सिमम 500 से 1,000। ये एटम बोल रहा हूँ, इसके ऊपर कभी आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ उतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है 2022 में। अगर एग्जैक्ट नंबर बोलूँ तो 11,52,000 एप्लीकेंट्स आए थे, जिसमें से सिलेक्ट अगर हम मानते हैं चलो 920 भी हो गए, बड़ा नंबर पकड़ते, तो भी 0.08% ही संभावना है आपके सिलेक्ट होने की। अब 11.5 लाख मतलब जितने इंस्टीट्यूट ने, और आपको पता है यूपीएससी का बेसिक पढ़ाई का कॉस्ट ना तकरीबन 50,000 से 1,00,000 रुपए एक साल का। अगर आप इसको 3-4 साल कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो हो गया 4-5 लाख रुपए आराम से। और इसके अलावा पीजी का कॉस्ट, जहां पे रहते हैं, बुक्स का कॉस्ट, तरह तरह के कॉस्ट इसके अंदर रहते ही है। तो भैया आपको डिसाइड करना है ना यार कि आपका फ्यूचर क्या है। आप किसी का वीडियो देखे इतना तो मोटिवेट मत हो जाइए, अरे वो भैया उनको जो बंदा लोग यूपीएससी क्लियर नहीं किया है वो लोग यूपीएससी पढ़ा पढ़ा के मालामाल हो चुके हैं। मैं देखो यहाँ पे ये नहीं चाह रहा हूँ कि कौन माला माल हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ये फर्क पड़ता है कि अगर भारत देश में ऐसे स्किल्स की कमी रह गई ना, और एक मेजर यूथ आजकल टायर 2 टायर 3 ना बहुत जज्बा है, बहुत मोटिवेशन है कुछ लाइफ में करने का, तो जब हमको कुछ द्वार नहीं दिखता है, लगता है लड़के वाले दहेज देंगे हमको, तो अगर हम अच्छा पास कर गए तो लड़की सोचेगी कि हमको अच्छा अच्छा रिश्ता मिल जाएगा अगर हम गवर्नमेंट जॉब बन गए, उसी के चक्कर में गवर्नमेंट एग्जाम में सब भागे जा रहे हैं। अगर स्किल्स नहीं लर्न किए तो हमारे देश कहाँ से उठेगी। रेलवे एग्जाम्स का अगर बात करूँ तो ये तो और बेहाल है। 7 फेजेस ऑफ एग्जाम्स होते हैं, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हर साल इसमें अप्लाई करते हैं, जिसमें आप एक्चुअल जो सिलेक्शन होता है ना वो सब सिर्फ 30,000 से 40,000 होते हैं। वहीं पे SSC जो CGL है 15 लाख एप्लीकेंट्स आते हैं, और जो सिलेक्ट होते हैं जो सीट्स अवेलेबल होती है सिर्फ 7,000 से 8,000 होती है। PO एग्जामिनेशन में 6 से 8 लोग अपियर होते हैं और सिर्फ 4 से 5,000 सीट्स होती है। PSC एग्जामिनेशन में जो स्टेट्स का सिलेक्शन होता है उसमें भी तकरीबन 6 से 7 लोग अप्लाई करते हैं, और एक्चुअल स्टेट वाइज सीट ही होती है 200 से 300। ये क्या ही नंबर हो गया, मैं बोल रहा हूँ ना 1% से भी कम है आप लोग का सक्सेस होने का रेशियो। यहाँ हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि चलो ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के पास तो भारी पैसा जाता रहेगा गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए, एटलीस्ट जो फॉर्म ही भरते रहेंगे, इतने लोग भर रहे तो फॉर्म का ही पैसा से कितना हो जाता रहेगा। देखो ऐसा ऑफिशियल कोई डेटा तो है नहीं, लेकिन अगर कुल मिला के टोटल करें ना तो तकरीबन 2022 में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए अप्लाई किया था। अगर इनको हम 100 के साथ 100 रुपए अगर पर फॉर्म के साथ भी करें ना, जो कम है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा लगता है गवर्नमेंट फीस और ये सब चीजों करने में, तो भी 700 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है उन बच्चों से जो शायद जिंदगी में कभी पास भी नहीं होंगे। और इसका प्रिपरेशन कॉस्ट यूपीएससी का आपने समझाई कि 1 से 1.5 लाख है। उसके अलावा जो CGL और PO की नौकरी है 10 से 15 हज़ार की कॉस्ट लगती है पर कैंडिडेट, बट वॉल्यूम में रहती है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं। और रेलवेज का जो प्रिपरेशन है तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया पर बच्चा इतना खर्च करता है अपने पूरे फुल प्रिपरेशन में, और इससे ज्यादा कहीं ज्यादा अपना समय लगाता है, अपना एनर्जी लगाता है, क्योंकि जो यंग यूथ का एनर्जी रहता है ना, जो उम्र होती है वो तो पूरा मेहनत करने में लगा देता है, जब वो क्लियर नहीं होता है पूरा ही उसका डामाडोल हो जाता है। अभी यहाँ पे हमारे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, चलो यार कुछ लोग तो हो जाते, मैं मानता हूँ कि कुछ परसेंटेज लोग हो गए यूपीएससी में, अगर यूपीएससी क्लियर किया तो IAS IPS ऑफिसर बन गए आप, उसके अलावा आप कोई भी दूसरे CGL हो गया, PO हो गया, रेलवे में लग गए, मैक्सिमम जो आपका सैलरी रहता है 1,00,000 से 1.5 लाख जाती है। हमको क्या पता है, सपना दिखाया जाता है पर्क्स, आप IAS ऑफिसर बन जाओगे, चश्मा पहन के घूम रहे हो, किसी भी दुकान पे रेड मार रहे हो, मजिस्ट्रेट बन गए, और वो थाट बेची जाती है आपको, आपको लग रहा है गवर्नमेंट एग्जाम वाले जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहते बड़े ही आनंद लेते हैं, मजे करते रहते हैं, एक्चुअल में उनके ऊपर कितना बोझ रहता है, कितना प्रेशर रहता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को बढ़ाना चलाना, वो ही जानते हैं। मेरे खुद के ऐसे लोग, मैं बहुत लोगों को बहुत क्लोजली जानता हूँ जो IPS ऑफिसर है, उनके ऊपर कितना प्रेशर रहता है वो ही जानते हैं। जो पर्क्स और ये सब की बातें की जाती थी ना सिलेक्शन के टाइम, वो याद तक नहीं रहती है देश की सेवा करने में। देखो देश का सेवा करना बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग में भाव होती है यार मेरी वॉइस मैटर करनी चाहिए, इसलिए मैं IAS IPS ऑफिसर बन रहा हूँ, लेकिन क्या सिर्फ यही एक ऑप्शन है आपके वॉइस को मैटर करवाने के लिए, और चांसेस कितना कम रहता है इसमें पास होने का। उसके अलावा यूपीएससी के अलावा ऐसे भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है जिसमें मैं खुद जानता हूँ
से 60,000 बंदा कमा रहा है, लेकिन दुखी रहता है दिन दुखी, क्योंकि उसको कुछ ग्रोथ ही नहीं मिल रहा है कि आगे मैं क्या करूं, क्या ऐसे करूं जिससे मेरे को और ग्रोथ मिले। पार्ट टाइम उन लोग काम चालू कर देते हैं, कुछ फ्रीलांसिंग का काम भी चालू कर देते हैं ताकि उन लोग और कमा पाए, बिकॉज गवर्नमेंट में बहुत स्लो ग्रोथ मिलता है। एक चीज़ का एश्योरिटी है जो मैं खुद मानता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो है जॉब सेफ्टी का। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, बस यही एक सेफ्टी का अगर लोग अपना पूरा जिंदगी छोप दे रहे हैं ना, आपसे ज्यादा डरपोक और कोई नहीं रहा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर अच्छे से काम करो, वो चीज सीख पा रहे हो जो कंपनी को नीड है, जो मार्केट की नीड है, आपको जॉब से ऐसे ही थोड़ी ना कोई निकाल देगा। पापड़ तलने जितना आसान है किसी को जॉब से निकाल देना, उतना आसान नहीं रहता है। लेकिन नहीं, हमको तो राजा बाबू बन के बैठना है, हमको जाना है गवर्नमेंट जॉब में। देखो यहाँ पे दो तीन और चीजें हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स वो लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। आज भी 65% जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं ना, वो रूरल एरिया से रहे, टायर 2 टायर 3 टायर 4 सिटीज से रहते हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस रहता नहीं। प्लस वो सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी मतलब ही सबसे बड़ा नौकरी। और उसके बाद 25-30% जो कैंडिडेट्स रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो किसान के बेटे होते हैं, फार्मर्स के ज्यादा बेटे माने जाते हैं। अब उनकी भी क्या गलती है, आप लोग का आज किसान का क्या हाल है वो तो हम सब जानते ही है, इसलिए वो भी सोचते हैं यार गवर्नमेंट जॉब ऐसी जॉब करो जो सिक्योर्ड रहे, इसलिए उनकी मनस्थिति बन जाती है सेफ जॉब चीज, जिसमें भी कोई गलती नहीं। लेकिन ये सब पुरानी बातें थी, आज भी इतना टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी बहुत ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब के टूवर्ड जा रहे हैं। एक चीज समझ लो, मैं गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पे खिलाफ नहीं हूं, मेरे ख्याल इतना चीज आप लोग समझाने, अगर गवर्नमेंट जॉब क्लियर भी हो जाता है ना, तो जो चीज आपको मिल सकती है वो कहीं ज्यादा छोटा है कंपेयर टू जब आप नहीं क्लियर पाते हो ना, तो जो आपको निराशा मिलती है ना वो कहीं ज्यादा बड़ा है, वो चीज आपको समझना है। और इसलिए यहाँ पे ना मैं आयरा की बहुत सराहना करता हूँ, आयरा एकदम स्किल्स को फोकस करता है। आयरा ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक्स आईएएस ऑफिसर, एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के तो बहुत सारे लोग आके स्किल्स सीख रहे हैं। ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ स्किल्स को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, फेक प्रोमिसेस नहीं किया जाता है। इनका मोटो बड़ा क्लियर है, अंदर बाहर ईमानदार। आप ऐसे स्किल सीखेंगे जिससे आपको जॉब में बेनिफिट मिल सकता है। हमारे एक स्टूडेंट शुक्ला जी, वो रेलवे में काम करते थे, रेलवे में एक दिन मेरे से फोन पे बात करते पर्सनली रो पड़े, बोलते सर रेलवे में तो मैं दिन रात काम करता हूँ, फैमिली का अता पता ही नहीं है, रविवार को ही कभी बुला लेते काम पे मेरे को ऐसा स्किल सीखना है जिसके से मैं ये नौकरी छोड़ के ऐसा कुछ काम कर पाऊँ। जस्ट इमेजिन, जिस रेलवे के नौकरी के लिए यहाँ पे खिचड़ी खचड़ा पकड़ी पड़ी है, वहाँ पे वो बंदा छोड़ने का सोच रहा है क्योंकि उसको कोई प्राइवेट जॉब में जाना है। ऐसे एक नहीं, ऐसे अन्नों के हमारे एक स्टूडेंट है रोहित, वो कोयल माइन में काम करता है, अच्छी नौकरी कमाता है, और वो हर टाइम जब भी उसका आयरा टीम मेंबर्स के साथ कहीं से बात होता है, वो बोलता है यार हमें कुछ ऐसा नौकरी दिला दो जो हमको इतना ही पगार दे दे, लेकिन हमें प्राइवेट सेक्टर में करना है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलता है, आखा दिन हम कोयले माइन में रहते हैं। तो धीरे धीरे हम सबको स्किल्स की वैल्यू पता चल रही है, लेकिन कब पता चल रही है, जब आप ऑलरेडी उसके अंदर गवर्नमेंट जॉब में आप जा चुके हो, आप स्किल सीख के जिस भी कंपनी में नीड है आप वहां पे जा सकते हो। और आयरा वही कर रही है कि जॉब मार्केट में क्या डिमांडिंग चल रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या चल रहा है, वही स्किल सिखाती है। और अगर आज भी गांव देश में कोई ये सब स्किल्स सीख जाता है ना, लैपटॉप से कमाना सीख जाता है, लैपटॉप पे काम करना सीख जाता है, तभी हमारा भारत देश पावरफुल हो पाएगा और तभी आपकी जिंदगी बदल पाएगी। अगर ये वीडियो जेन्युइनली थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा ना, एक जन के साथ तो जरूर शेयर करना जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, जो गवर्नमेंट जॉब करने की सोच रहा है, ताकि उसको एक प्रॉपर व्यू सन में आए, अगर गवर्नमेंट जॉब पास भी हो तो क्या, और अगर फेल भी हो तो क्या, कितना परसेंटेज श्योरिटी है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप किसी भी गवर्नमेंट जो भी यूपीएससी आईपीएस की तैयारी करा रहे हो, वो तो आजकल वो सारे ट्रेनर्स तो एकदम सुपर हीरो बन चुके हैं, उनके फॉलोअर्शिप इतना हाई हो गया कि कुछ भी बोलते हैं काम चल जाता है, और बच्चे लोग उधर ही नाच रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस ये चाह रहा हूँ आप लोगों को रियलिटी से अवगत कराना मेरा काम है और यही मेरा मिशन है। ये सब बताने के बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन रहता रहेगा, क्या कभी कोई किसी ने आगे आके पहल नहीं किया ये सब चीजों के बारे में? इसका जवाब है एकदम ना, जो मेरे को एकदम सबसे ज्यादा निराश किया है। यहाँ पे मैं एक सुझाव देना चाहूंगा गवर्नमेंट को कि जरूर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आगे आके थोड़ा सा स्टूडेंट को गाइड करे कि यार आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में आओ, लेकिन तभी आओ जब आपको ये सब चीजें पता रहने। तो बहुत सारे लोग आज के दिन में हड़ताल करते करते थक जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम दे दिया बट रिजल्ट नहीं आया, रेलवे का जॉब दे दिया बट रिजल्ट नहीं आया, ग्रुप डी ग्रुप सी दे दिया पर रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी तो परेशान है, कहां से इतना सीटें लाए यार। कोई अगर हमें आगे बता पा रहा है कि देखो इतनी नंबर ऑफ सीटें हैं, आप बहुत श्योर हो तभी आइए। और ये सब गवर्नमेंट एग्जाम्स क्यों किया जाता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स लोग क्यों देते हैं, जॉब पाने के लिए करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का यहाँ पे पूरा सोच रहता है, लेकिन एक्चुअल में पता है क्या, एम्प्लॉयमेंट घटता रहता है, किसी को नौकरी नहीं लगती, बिकॉज जब अपना कीमती एनर्जेटिक समय 20 से लेकर 28 साल का उम्र निकाल देता है, तब उसको वापस से 15-16 हज़ार की नौकरी से शुरुआत करने के लिए बहुत मेहनत लगता है। नहीं, बहुत लोग तो कर ही नहीं पाते और बहुत लोग काफी ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा फिर काम करवा के अपना घर गुजारा चालू रखते हैं। और दूसरा चीज जो मेरा सुझाव है, अगर फिर भी ये सब चीज के बावजूद आप में जज्बा है यार हाँ यार मेरे को देश के लिए कुछ करना है, जो जरूर करना चाहिए और मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम ही करना है,
तो मेरे भाई आपको एक चीज यहाँ पे सुझाव लर्न करनी है, अगर गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो आजू बाजू स्किल भी लर्न कर, प्लान बी हमेशा रेडी होना चाहिए। जो आप पिक्चर देखते हो ना, बड़े फालतू पिक्चर होते हैं कि यार प्लान बी में रखता नहीं हूँ मैं, तो सिर्फ यही एक देखूंगा। आज कलयुग है बेटा, पूरा अपना नजरिया चेंज कर लो। हाँ ना, समय के हिसाब से बदलना पड़ता है, प्लान भी रखना ही पड़ेगा। तो प्लान बी में आप ऐसे स्किल्स लर्न करते रहिए जो मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। टेक स्किल्स लर्न कीजिए, जो आप अपने लैपटॉप से आपको थोड़ी जानकारी मिले, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है उसकी जानकारी मिले, जो आपको जरूरत ही नहीं है वर्क फ्रॉम ऑफिस करने का, आप अपने गाँव से शहर से अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, लैपटॉप है, आप उसे कमा सकते हो पैसे। तो प्लान बी अगर आपका सेट है तो एटलीस्ट आप गिरे हुए नहीं। मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब में उठ पा रहे हैं, मेरे को दिक्कत उनसे है जो गिर जा रहे हैं और उनके लिए कोई हाथ नहीं दे पा रहा है। ये वीडियो अगर वैल्यूएबल लगी रहेगी तो लाइक का बटन जरूर दबाना। आपका कौन सा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है? आपके कोई दोस्त रहेंगे जो मैं जानता ही हूँ, हर चार घर में एक लड़का ऐसा निकलता है ये टायर टू टायर थ्री सिटीज में, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का मारा हुआ है, उसको नौकरी नहीं मिली है, या उसका रिजल्ट आना बाकी है, या वो इतना अटेम्प्ट दे चुका है कि थक चुका है, और जहाँ उसने अटेम्प्ट दिया था सोचा था आईएएस बनूंगा, और आज वो ऐसा नौकरी कर रहा है जिसमें वो खुश ही नहीं एकदम से, उसका स्टोरी जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा ताकि लोगों को एटलीस्ट रियलिटी से पता चले। वीडियो को शेयर जरूर करना एक लोगों से, अगर आज भी इतना अब तक रुके और वीडियो शेयर नहीं किया ना आपने, तो मेरे को लगता ही नहीं आपको वीडियो देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं वीडियो सिर्फ आप और हम तक रह पाए, थोड़ा लोगों तक पहुंचे ताकि उनको एक्चुअल डेटा पे नॉलेज मिल पाए। मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में। अगर ऐसे कॉन्टेंट आप पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, ध्यान रखिए।